ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मूल हूँ। जहां जहां पे लोग उर्दू हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, जापान, सबको मेरी नेक शुभकामनाएं। मैंने चले पूरा तो प्रोग्राम आपका नहीं सुना, मैंने अभी ज्वाइन किया थोड़ी देर पहले ही, तो फिर मैंने टेक्स्ट देखा ना आपका, तो वो आपने उस पर बात की जो अभी मोटरवे, क्योंकि मैं तो अभी 2 महीने से ना काइंड ऑफ थी, क्योंकि मूव कर रही थी, तो आई वाज लाइक सो बिजी। तो अब जो सुनने में आप मोटरवे पे जो लड़की के साथ रेप का केस हुआ, पहले मैं आपको ये बता दूंगा मैंने किस किस के ऊपर बात की है, ताकि आपका उसके ऊपर व्यू आ जाए। एक तो मोटरवे के ऊपर बात की है, उसके ऊपर मैंने न्यूज स्टोरी भी शेयर की है कि 12 लोगों को अरेस्ट कर लिया उन्होंने। उसके ऊपर पाकिस्तान में भी एक ट्वीट चल रहा है बहुत जबरदस्त के हैंग रेपिस पब्लिकली, वो चल रहा है। उसके ऊपर एक ये मेरा जिसम मेरी मर्जी की दोबारा से हैशटैग चल रहा था, लेट मी सी अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। मी टू का भी चल रहा है, 22,000 हो गई है। और औरत मार्च में एक और हंगामी प्रोटेस्ट करने की बात की है, मेरा ख्याल आज ही उन्होंने करना है या कल करना। तो ये सारी चीजें मैंने कवर की। और पता नहीं आपने ये वीडियो देखी है कि नहीं, थोड़ी सी मैं आपको दोबारा, इसमें वो साइकिलिस्ट हैं उनको फिर से ग्रोप किया गया इस्लामाबाद में, वो साइकिलिस्ट को फरोख देती हैं। थोड़ा सा वीडियो आपको चला दूं। दिखा। दिस इज समर खान, और अभी वीडियो करने का राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। मेरा मकसद ये है कि आपने मुझे हमेशा सुना होगा साइकिल प्रमोट करते हुए, साइकिलिंग लड़कियों को इनकरेज करते हुए कि वो रोड में आए साइकिलिंग करें। इट्स नो डाउट अ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी, लेकिन मैं शुगर कोट नहीं करूंगी ना मैं झूठ बोलूंगी। इट्स नॉट सेफ। आपको जंगली बनना है, आपको ढीठ बनना है। इफ यू वॉन्ट टू बी ऑन रोड यू हैव टू क्लेम दैट। तो अभी भी मैं कुछ झूठ नहीं बोलूंगी। मैं साइकिलिंग कर रही थी राइट इन इस्लामाबाद द कैपिटल, राइट बिफोर यू टर्न टुवर्ड्स फैजाबाद, एक बंदा आया, ऑफिस गोइंग बंदा, मेरून शर्ट, पीछे ब्लैक ब्रीफ केस या ऑफिस बैग रखा हुआ था। ही स्लो डाउन, ही ग्रॉप्ड मी फ्रॉम द बैक, बकायदा उसने हाथ साथ फेरा एंड देन ही रैन अवे। आई ट्राई टू स्टॉप हिम, आई ट्राई टू फॉलो हिम, अभी भी मैं उसे फॉलो करती हूँ, ढूंढते हुए आ रही थी, लेकिन क्योंकि मैं साइकिल पे हूँ तो मुझसे निकल गया आगे। नहीं तो उसके साथ जो मैंने करना था मैंने लाइव आके करना था। इसमें ना इस्लामाबाद की इंतजामिया का कोई कसूर है, ना मैं किसी को ब्लेम कर रही हूँ। आई जस्ट हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेजोरिटी ऑफ यू आर मेल्स, माई फॉलोअर्स, माई सपोर्टर्स। मैं आपके गुस्सा भी नहीं निकाल रही, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दे। अगर कोई सुन रहा है और किसी के माइंड में गंदगी चल रही है कि 2 मिनट रोड पे किसी लड़की को हाथ लगा के क्या ठंड पड़ जाती है आप लोगों को, और गैसा मार जाता है, ठंड पड़ जाती है, आग बुझ जाती है आप लोगों की। और अगर कोई बंदा ऐसे होते हुए देखता है तो उसको इतना कैजुअल और नॉर्मलाइज करके चला क्यों जाता है? 3-4 लोगों ने ये होते हुए देखा, कोई नहीं रुका, सब चले गए, लाइक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। व्हाई डोंट यू स्टॉप इट? यू आर तो ये भी इसके ऊपर भी थोड़ा सा, यू नो, जस्ट वांट योर थॉट्स ऑन दैट। देखो आई वुड हैव टू गिव इट टू हर, इसकी करेज है कि इस किस्म के कपड़े पहन के साइकिल चला रही है पाकिस्तान में। जब मैं गई थी पाकिस्तान में इन द बिगिनिंग, जब पहली दफा गई ना, तो मैंने स्लीवलेस पहनी हुई थी, मगर मैंने ऊपर से दुपट्टा ले लेती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता करके मुझे यूज्ड टू हुई, फिर मैंने बुरका पहनना शुरू कर दिया था, अंदर मैं कुछ भी पहनती थी, यू नो व्हाट आई मीन, आफ्टर ऑल। तो आई गिव इट टू हर कि ये तो पहली बात, अकेले मैं पाकिस्तान में अकेले कभी भी निकली हूँ बाहर, क्यों? क्योंकि मुझे पता था इट्स एन अनसेफ कंट्री। अब ये जो बात हुई ना मोटरवे की, ठरकी है या जो भी, अब जब मैं छोटी थी, मैं एक बात बता आपको बताती हूँ, मैंने इसमें अपने वीडियो में भी एक दफा ये बात बोली थी कि आई वॉज वेरी यंग, आई वॉज आई बिलीव 11 या 12, तो मैं पार्क में गई हुई थी, यू नो आई वेंट टू गो, तो मैं नीचे आ रही थी, एक पठान लड़का था, कोई टीनेज होगा, तो ये लिटरली यू करके पूरा मेरे ऊपर से हाथ फेरा। मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके थे ऑलरेडी, अगर मैं नहीं निकलती ना पाकिस्तान से तो गारंटी मेरा रेप हो ही जाना था, फैमिली में ही हो जाना था या हमारे मोहल्ले में किसी ने कर दे रहा था, क्योंकि वो सो कॉमन। और वहां पे जो मेरे साथ लड़कियां होती थी पाकिस्तान में, उनमें लाइक एक दफा हम लोगों ने बातें करनी शुरू की तो पता चला कि एक अंकल थे जो सारी लड़कियों को मलेस्ट कर रहे थे डिफरेंट लेवल पे, यू नो। तो मेरे साथ एक वो वाकया हुआ था तो मैंने उनके साथ शेयर किया। द पॉइंट इज कि ये चीज तो मैं तो जब से मैं मिस पाकिस्तान बनी तब से बोल रही हूँ, पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री फॉर वुमेन। तो हमेशा लोग आर्ग्यू करते हैं मुझसे, नहीं नहीं क्यों नहीं है, हमारे मुल्क में ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, वो
ठीक है, मैं मानती हूँ सब हो रहा है, मगर पाकिस्तान में जैसे कि आप कहते हो ना, ये इन्होंने आखिर क्या बोला कि पाकिस्तान में 12 बजे रात के एक औरत क्यों मोटर हाईवे पे चली है? मैं भी पूछती हूँ, पाकिस्तान में आप क्या कर रहे हो ऐसे टाइम पे निकलने? देख, आई कैन अंडरस्टैंड, यहाँ मैं 3 बजे निकलू, 4 बजे निकलू, 5 बजे मैं लेट लेट से लेट में आती हूँ, वीरान जगहों पर ड्राइव करती हूँ, मुझे आज तक किसी ने, चाहे मैंने एक बहुत वीरान जगह पे खड़े होकर मुझे थोपी, तो बिल्कुल जंगल सा था, वहां पे उतर के मैंने पेशाब किया, मुझे वैसे डर लग रहा था, मगर भालू नोबडी ना आ जाए, अगर भालू से डर बची लग सकता है, भालू से डर लग ग्रिजली बिल्कुल। रहे। यू नो, अभी भी मैं जहां मूव हुई हूँ, ये बहुत ही सिक्लूडेड एरिया है, बहुत देरी, मगर मुझे कभी डर नहीं लगता, मैं अकेले ड्राइव कर रही होती हूँ। मगर हाँ, पाकिस्तान में तो मोटरवे भी तो वैसे ही सुनते हैं कि भैया गाड़ियों को पुल ओवर करके लूट लेते हैं, मैं बहुत वैसे ही डरती थी मोटरवे पे जाते हुए, यू नो, तो ये बात तो है। और फिर हमारी मेंटालिटी सोने ना उनकी, कि 12 बजे लड़की क्या कर रही थी, हमारे तो लड़कियों पे आता है ना, आपने ऐसे कपड़े पहने तो जब ही तो लड़के ने आपको हाथ लगाया, क्योंकि आपने उन्हीं के लिए तो पहने थे वो, दिस ये माइंड मैंने सेट। आपके लिए, ये मैंने आपके लिए ये भी मैंने शेयर किया था, जब कई लोग नए आए हैं, ये वो लाल टोपी नहीं है, उसने भी ट्वीट की, उसने कहा कि जना बिल जबर बड़ा मकरू काम है, लेकिन अगर एक भेड़ अपने गले अपने गिल्ले से अलग होकर अकेली जंगल में चली जाए और उस भेड़िया खा जाए तो कसूर किसका। सुनिए, औरतें भेड़ है और ये भेड़िए हैं, इसका मतलब ये नहीं, भेड़िए हैं और मगर ये जंगल है, पाकिस्तान एक देखो जंगल है। हारिस, देखो, मगर द थिंग इज ना, अभी इससे पहले 5 साल की बच्ची थी जो बाहर निकली थी, कसूर इनके माँ बाप का है, कसूर इन औरतों का है, जब आप जानते हो आप कोई कनाडा में नहीं रह रहे हो, आप यूएस में नहीं रह रहे हो, जो आप ये हरकतें करते फिर रहे हो, आप रह रहे हो पाकिस्तान में, जहाँ पे ठरकी और जितने फ्रस्ट्रेटेड जो है ना लोग फिर रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं कहीं उनको कोई लड़की लड़का छोटा मिल जाए तो उसको हड़प ले, तो आप ऐसे उसमें, मैं कनाडा में रहते हुए अपनी बच्ची को आंखों से ओझल नहीं करती हूँ, अब 5 साल के बच्चे को बाहर भेज रहे हो अकेले, एज अ ग्रोन वुमेन मैं पाकिस्तान में बाहर अकेले नहीं निकलती थी, मेरे साथ कोई ना कोई होता था, एक काम करने वाले रहते थे, वो मर्द था तो उनको मैंने रखा हुआ था अपने साथ, एवरीवेयर आई वेंट, मैं कभी अकेले नहीं गई एज अ ग्रोन। यहाँ पे भी एक आई डोंट अंडरस्टैंड, तो कसूर इनके माँ बाप का है ना, जब आपको पता है कि आपका माशरा ऐसा घटिया गलीज और फ्रस्ट्रेटेड है, तो आप उसी हिसाब से चलो ना, उस औरत को भी ये देखना चाहिए था ना कि दिस इज अनएक्सपेक्टेड कि हाँ आपकी गाड़ी, यू नेवर नो, मगर भाई गैस चेक करनी चाहिए ना आपको हाईवे पे जाने से पहले, ये चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है ना उस औरत पे भी। बट देखें देखें, ये यू नो, मैं इसीलिए नहीं, इन चीजों को, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा, वाकई जिस तरह वो डॉक्टर लाल टोपी ने कहा कि भाई एक भेड़ अगर जंगल में निकल गई तो शेर तो खाएगा ही खाएगा ना, क्योंकि जाहिर बात है मुल्क तो नहीं है, यहाँ पे इंसान तो नहीं बसते, यहाँ पे तो भेड़िए बसते हैं, ये तो जंगल है, जैसा उन्होंने कहा। मैं भी अगर जा रहा हूं, और जाहिर बात है इट्स अ वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस कि आप मोटरवे पे हैं, आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आप जेरी कैन लेके फिर रहे हैं पेट्रोल कादे हो बीच, तो इट्स वेरी अनोइंग, लेकिन उसका मतलब ये नहीं मैं एक्सपेक्ट करूंगा ऑस्ट्रेलिया में, या खैर मैं तो मार दू, लेकिन मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरी मेरी किसी रिश्तेदार, कोई फीमेल रिलेटिव भी, अगर उसकी उसका पेट्रोल खत्म हो गया तो मुझे ये नहीं डर होगा कि उसका रेप हो जाएगा या उसका मर्डर हो जाएगा, ये मैं नहीं सोच सकता यहाँ पे, ना होने के बराबर है ये चीजें। और जो रिपोर्ट होते भी यहाँ पे केस, वो भी मोस्टली, एक तो रिपोर्टिंग रेट काफी ज्यादा है, और दूसरा और वो दूसरा डोमेस्टिकली होता है मोस्टली लोगों के साथ, तो जो रैंडम होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो ये यू नो इट्स अ सैड स्टेट। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कहाँ पे जाएगा, क्योंकि औरत मार्च में, अब अच्छा है औरत मार्च इसको यूज करके इसके ऊपर, आपका दोस्त खलील रहमान ने सुना फिर से कोई बयान दे दिया। देखो आप लोग, मैं बता रही हूँ ना कि मैं 2007 2010 में पाकिस्तान पे, मैं ये इन चीजों का ना, मैं तो 10 सालों से औरत की उस पर बात कर रही हूँ, और ये केसेस आज के नहीं आ रही, 10 सालों से आ रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत इजाजत मिल गई है, मगर माशरा पीछे से पीछे जा रहा है, ये लोग और जानवर से भी बदतर कोई अगर चीज होगी ना तो उसमें तब्दील हो गए, मैं खुद देखती हूँ, कमेंट्स में दिख रहा होता है, ये जो जनरेशन बड़ी हुई है ना, ये बिल्कुल पागल जंगली जनरेशन हो गई है, फ्रस्ट्रेटेड एकदम की, और इनको इंटरनेट मिल गया है ऑन टॉप ऑफ इट, तो इंटरनेट पे चीजें देख देख कर और चीजों में घुस रहे हैं, यू नो, क्योंकि मिल नहीं रहा इनको। सो द थिंग इज कि
ये सही होगा? आई डोंट आई हैव लॉस्ट होप. मैं तो अब नहीं करती हूँ कि कोई होप होगी. ऐसे केसेस आते रहेंगे. आप चाहे कहते ना कि वो बीच चौराहे पे चढ़ा दो, नहीं फिर भी होगा. जैनब के मर्डर को फांसी दी ना फांसी, उसके बाद क्या रेप नहीं हुए? उसके बाद और ज्यादा आने शुरू हो गए. द थिंग इज कि ज्यादा नहीं आने शुरू हो गए, अब इंटरनेट है तो हमको पता चलने लगा है. पहले इंटरनेट नहीं था तो हमको पता नहीं चलता था. वो तो ये पहले से रहा है. दिस इज हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. और आगे क्या होगा? हाँ चलो, औरत मार्च थोड़ी और खड़ी हो जाएगी, मगर फिर ये खलील रहमान जैसे बैठे हैं ना, इनको क्या करोगे तुम? ये तो बैठे ही रहेंगे, ये नहीं बढ़ने देंगे आगे किसी को भी. खलील रहमान ने जितनी लड़कियों को, मुझे 100% यकीन है इसने लाइनें मारी होंगी। क्या ये ख्याल सब है कुछ आपका? हरामी होते हैं, ये सारे मीडिया वाले. सबसे ज्यादा लाइन ये मारते हैं बुढ़े वहां बैठकर. जब मैं जाती हूँ ना, क्या बोलते हैं खलील रहमान, सीरियसली सबसे ज्यादा हरामी होंगे ये. किसी ना किसी तरह से वो हाथ लगा ले चले और यहाँ पर आ जाए ड्रिंकिंग. सबसे ज्यादा ठरकी हरामी ये मीडिया वाले होते हैं. वकार भी आजकल बड़ा बोल रहा है ना, बस मैं क्या बोलूँ. यू नो हरामी ही, ये तो जैसे हद को वकार सही. तो सर्टिफाइड हरामी है ना, वकार तो सर्टिफाइड हरामी है। ये मैंने बताया था, आश गाने रसूल, जो आश गे रसूल जितने भी हैं, और ये मैं बड़े अरसे से लोगों को कह रहा हूँ, जो जितना बड़ा हरामी होगा ना, वो उतना बड़ा आश के रसूल होगा। तो इसी तरह यहाँ पे पूरी भी, जितना हिपोक्रेसी. आपने ये नेचर में है ना। क्या मैंने वो वीडियो चलाई भी पहले भी, मैं फिर चलाऊंगा, बड़ी मजे की वीडियो है नुमान एजाज की, ये वीडियो चेक करें। ठहरे, ये बहुत जरूरी है, ये बार बार इनको इनको जलील किया जाए। मुझे बड़ी हैरत हुई, मैं इनको पसंद करता था। चला ये सारा कुछ इस जो मुआशरे में हो रहा है ना, मी टू ही टू शी टू, ट्रस्ट मी, ये दीन से दूरी की वजह से हो रहा है. क्योंकि इस कौम को दीन समझ ही नहीं आ रहा. ये वो कौम है, वो हम कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का. हमारी कौम क्या है? क्यू टीवी और एम टीवी के दरमियान में दरमियान फंसी हुई है. मैंने ये बिल्कुल, दैट्स योर कोट. जब तक आप अपनी चीजें डिफाइन नहीं, भाई दुनिया के साथ चलना है तो ठीक है, फिर उसमें ये नॉर्म्स मजहब के निकाल दो सारे. फिर वो वाले नॉर्म्स इस्तेमाल करो जो अब एक, जब दिल एक, करता है एक ये मजहब यूज ब्रॉड कर लेते हैं, जब दिल करता है बाहर यूज कर. हमारे कानून में भी तो यही हो रहा है ना. लेकिन कभी कभी दिल फसला, कभी बेइंतहा कैसे कंट्रोल मेरे किया? तो हूं रस्ते जा रहे हैं बट देन हाउ डू यू कंट्रोल इट? हाउ डू यू आई नो कंट्रोल? योर लिमिट. आई डोंट कंट्रोल इट. कभी जिंदगी में एक दिन की मोहब्बत हुई? हर लम्हे होती है, डेली होती है. मैं तो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला आदमी हूँ. रियली? मुझे तो खूबसूरत खातून, मतलब उनको अंदर बाहर से अगर खूबसूरत खातून है और मुश्किल खातून है, तो सबसे ज्यादा इश्क ही ऐसी औरत के साथ. तो फिर आप कर लेते हैं? मैं सर्टिफाइड कर लेता हूँ इश्क. और फिर बेगम साहब, शी डजंट नहीं, माइंड. मैं बेगम साहब को कभी पता ही नहीं चलने देता. आई एम सच अ ग्रेट एक्टर एंड इंटेलिजेंट मैन कि मेरी बेगम को अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पता चलता. और जिनके साथ आप कर रहे होते हो उनको पता चलता उनके है? उनके हस्बैंड को भी नहीं चलता, पर उनको खुद को पता चलता है. उनको चलता है बताओ. और बकायदा हम एक रेसिप्रोकेट हाँ, करते बिल्कुल हैं. करते हैं. ओह वाह, आई नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम यू. आई नॉट गोइंग टू टीच एनीबॉडी बिकॉज़ देखो मैं ये हिपोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, हम हिपोक्रेसी की बात, हाँ, खुल के एक कुछ भी, कुछ भी। एक चीज मैं नौमान को देती हूँ कि एटलीस्ट उसने ओपनली ये चीज बोली सबके सामने. झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुनाफिकत नहीं कर रहा है, मगर ये चीज उसमें आ गई कि कह रहा है कि दूसरे लोग हैं. भाई अगर आप अपने इस्लाम को सीरियसली फॉलो करके जाओगे तो आप टीवी पे आ नहीं रहे. आपके लिए मना है तस्वीरें बनाना, मना है आपके लिए नामहरम औरत के सामने इस तरह बैठना, मना है. तो आप भी पहली तरह आप फुल फॉलो करो ना, आप वो नहीं पीटीवी के जमाने में चले जाओ. फिर आवाम से कहो ना, आप खुद वहां पे फैशन मॉड और ड्रामों में पता नहीं किस किस के अफेयर्स दिखा रहे हो, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हो, और फिर एक्सपेक्ट करते हो आवाम से कि वो दीन को फुल फॉलो करें. और फुल पूंडी करनी है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं, आप भी वेस्ट में रहती हैं, आपको पता है कि चीटिंग करना कितना बुरा समझा जाता है। कोई भी खुल के नहीं कहता, कोई भी खुल, ये भी जी भी कल्चर है पाकिस्तान में कि शो मारनी है कि मेरा तो उसके साथ चक्कर है, मेरा उसके साथ चक्कर है। और यहाँ पे वेस्ट में उल्टा होता है, जिसका अगर कोई इस तरह की दो नंबरी कार भी रहा होता है, वो बता किसी को भी पता लगने देना कि जूतियां इट फाड़ डिपेंड्स कि दी। अगर आपका कंसेंशुअल यानी आपके पार्टनर के साथ एग्रीमेंट है, फिर से ओपन रिलेशनशिप होती है जहाँ पे लोग करते हैं.
That's a different story. अब पता नहीं इनका है कि नहीं है, मगर इस तरह से नहीं है कहते ना, हैं वो तो बता रहा है, वो तो बता रहा है, ना मैं अपनी बीवी को पता ही नहीं लगने देता, वो तो खुल के। अच्छा इतना बेवकूफ, ऑब्वियसली तो शो मारी है क्योंकि उसकी बीवी नहीं देखेगी इंटरव्यू। लेकिन मैंने देखा है कि पाकिस्तान में ये भी एक अजीब सा कल्चर है कि बीवी के सामने भी शो मार रहे होते हैं कि मैं तो अरे ऐसे बड़ा बीवी मारे ना एज अ वो शो, तो फिर वुमेन, देखते इनका किधर जाएगा। एज अ वुमेन मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी बीवी अगर उसका मर्द चीट कर रहा हो ना, चाहे कभी वो भी नहीं कितनी पसंद मर्जी करेगा। भी छुपा ले, वो नहीं छुपा सकता, ठीक है ना? मुझे 6 महीने में पता चल गया था, आई न्यू। भाई भाई एक तो बिना खोचल उम्र चल था। जाता है भाई, अपन तो चल जाता है, हाँ चूतिया ही बैठी है यहाँ पे, ये समझता है औरतें चूतिया है, बेवकूफ है, हमें कुछ नहीं पता, हमें सब पता होता है। औरतें वहां पर ये क्या समझ रहे हैं नोमान जी? आप शूटिंग पे जाते हो तो आप चले जाते हो तो आपको नहीं पता कि आपकी बीवी कहाँ है? ये जितने कर रहे होते हैं ना, इनकी बीवियां भी पीछे उतना ही अफेयर कर रही होती हैं, ऐसे कुछ नहीं है। बट जस्ट दे डोंट से, बोलते बस नहीं है। चलो ऐसे हीरो बनना है बस ऐसे। ऐसे मुझे जाना है, मगर आई विल डेफिनेटली मैसेज यू सो वी कैन, आई एम नाउ बैक टू मैं थोड़ा वीडियो सेट कर लिया, तो वी विल डू अ शो टुगेदर और समथिंग। ओके ऑलराइट थैंक यू। ओके, ओके थैंक्स, बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।